हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने टेक वीडियोस के लिए कैसे एक प्रोफेशनल सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे, अगर आप एक बिगिनर है, आपको थंबनेल से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आप थंबनेल बिल्कुल जीरो हैं, तो कैसे ये वीडियो कृपया एंड तक आप जरूर से देखिएगा। हम पूरा डिटेल हम आज की इस वीडियो में थंबनेल से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका है क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको थंबनेल से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं, वहाँ आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो थंबनेल बनाने वाले हैं वो हम पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में बनाने वाले हैं। तो अगर आप पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे फर्स्ट आपको काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साइज सेलेक्ट करना है। तो साइज सेलेक्ट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप इमेज साइज का उस पर क्लिक करना है। देन आपको कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर देनी है। तो ये जो आपका साइज होगा ये यूट्यूब थंबनेल के साइज में आ जाएगा। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होता है, आखिरकार आप किस बैकग्राउंड पे अपना ये थंबनेल पे काम करने वाले हैं। तो मैं हमेशा से सिंपल बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, वो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको 3rd वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर काफ़ी कलर मिल जाएंगे जो आप अपने बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप ग्रेडियंट में भी आप काफ़ी कलर है जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आऊँगा और मैं व्हाइट कलर को सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके व्हाइट को हल्का सा डार्क कर देता हूँ। तो गाइज़, ये जो कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन लगता है, अब मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज़, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर 3rd काम क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको इसमें अपना इमेज को ऐड करना है, जो इमेज आप अपने थंबनेल में ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना इमेज को इसमें ऐड कर दिया है। तो इमेज का बैकग्राउंड अगर आपको इरेज करना नहीं आता है, इस पर हमने फुल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो बैकग्राउंड को अपने इमेज से कैसे बैकग्राउंड इरेज करना है आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। इमेज ऐड करने के बाद अब इस इमेज के यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर कॉर्नर से इसे साइज़ को छोटा या बड़ा करके इसे आपको अपने इस साइड में आपको सेट कर लेना है। तो जिस साइड आपको ये आपका इमेज सूटेबल लगे उस साइड आपको इसे सेट कर देना है। तो हमारा इमेज ऐड हो चुका है। इमेज ऐड कर देने से होता यह है कि जो हम टेक्स्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉपर नॉलेज मिल पाता है कि आखिर हम किस तरीके से टेक्स्ट का डेकोरेशन करें। तो गाइस, ये तो हमारा अब हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आप जो 4th स्टेप में अपना जो टेक्स्ट का डेकोरेशन है वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। जैसे कि मैं जो ये थंबनेल बना रहा हूँ वो टॉपिक है कस्टम URL को इनेबल कैसे करें। तो अब मुझे सोचना है कि आखिरकार मैं कैसे टेक्स्ट को इसमें सेट करूँगा ताकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। तो मैं पार्ट बाई पार्ट इसे डिवाइड कर लूँगा, जैसे कि फर्स्ट मैं टेक्स्ट इसमें ऐड करूँगा कस्टम URL। तो गाइस, टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल से नीचे आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है, फिर नीचे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो टेक्स्ट है उसे ऐड कर देना है। तो हमारा ये फर्स्ट टेक्स्ट हो चुका है, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है। तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसके साइज़ को पहले सेट कर लेते हैं, या फिर उससे पहले हम इसमें फॉन्ट ऐड कर लेते हैं। तो फॉन्ट ऐड करने के लिए फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो मैं फॉन्ट यूज़ करता हूँ वो है यूनिसेंस हैवी इटैलिक। इस फॉन्ट को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर नीचे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा ये फॉन्ट भी ऐड हो चुका है। अब हम इसके साइज़ को सेट करेंगे, तो साइज़ को यहाँ से भी टेक्स्ट के साइड में कॉर्नर पकड़ के भी इसे सेट कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो ये टूल्स है उसके थ्रू भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 81 कर देता हूँ, 82 कर देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर इसका कलर हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कलर ये ब्लू कलर में दे देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपका बैकग्राउंड है सेम उसी तरीके से आपको कलर भी सिलेक्ट करना है। तो ये व्हाइट में ये ब्लू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अब गाइज़, यहाँ पे जो मैंने ये फॉन्ट ऐड किया है, तो ये फॉन्ट मैं जब भी ऐड करता हूँ तो मैं इसके जो टेक्स्ट है इसको हल्का सा रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और एंगल को -2 कर देता हूँ। तो अगर आप ये फॉन्ट यूज़ करते हैं तो हमेशा से आपको रोटेट करना है, तो आपका जो ये टेक्स्ट होगा काफ़ी ज़्यादा ही प्रोफेशनल दिखेगा। तो फर्स्ट टेक्स्ट हमारा हो चुका है। अब मैं जो दूसरा टेक्स्ट अगर यूज़ करता हूँ और सेम इसी फॉन्ट में यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है, देन इसको आपको नीचे कर देनी है, फिर एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको जो सेकंड टेक्स्ट है इसमें ऐड करनी है वो सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। हमने यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट इसमें ऐड कर दिया है कि इनेबल कैसे करें। तो गाइस, जो दोनों का टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, जैसे कस्टम URL इनेबल कैसे करें। तो ये कॉपी करने से हुआ, ये जो मेरा फॉन्ट था वो सारा चीज़ इजिली ऐड हो गया, साइज वाइज सारा एकदम से सेम हो गया। अब मैं इसके कलर को चेंज करूँ, जो फर्स्ट टेक्स्ट का कलर और सेकेंड टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँगा। तो मैं इस टेक्स्ट में मैं बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए बैकग्राउंड के ऑप्शन पर जाएंगे, इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर जो यहाँ पे पैडिंग वैडिंग है वो सारा मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, हल्का सा
लेफ्ट पैडिंग को बढ़ा देता हूँ और राइट पैडिंग को भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ। तो गाइस जो भी बैकग्राउंड कलर था वो हमारा सिंपली सेट हो चुका है। अब मैं इसे डन पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारा जो टेक्स्ट का कलर है उसे मैं चेंज कर दूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगा। तो कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और मैं इसे वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद जो आप देख सकते हैं टेक्स्ट अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट में एक और काम करूँगा। अगर मैं इस टेक्स्ट में अगर हल्का सा शैडो दे देता हूँ तो गाइस जो टेक्स्ट है और भी काफ़ी ज़्यादा उभर के दिखेगा। तो हमने यहाँ पर इसमें शैडो ऐड कर दिया। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा ये सेकंड टेक्स्ट भी इजीली ऐड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहा है। तो हमारा टेक्स्ट का काम हो चुका है। तो गाइस जब टेक कैटेगरी में जो भी आप थंबनेल बनाते हैं तो जिस भी टॉपिक पे आप थंबनेल बनाते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है तो जिस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं तो उस चीज़ को अगर ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो वो थंबनेल आपको ज़्यादा क्लिकेबल दिखेगा। तो जैसे कि इस थंबनेल पे हमने बात किया है कि कस्टम यूआरएल को कैसे इनेबल करना है, तो हम इसमें एक कस्टम यूआरएल से रिलेटेड एक इसमें हम फोटो को ऐड करेंगे। तो हमने पहले से ही अपना फोटो उसमें अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर रखा है तो मैं इसे फाइल से ऐड कर लेता हूँ। फाइल से ऐड करने के लिए ऊपर आपको प्लस के ऑप्शन पर जाना है, देन आपको फ्रॉम गैलरी से क्लिक करके अपने फाइल से उस इमेज को ऐड कर लेनी है। तो गाइस ये हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे पहले क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के लिए नीचे ऊपर तक मैं इसे ले जाऊँगा, फिर ऊपर से नीचे तक ले जाऊँगा। जो भी कस्टम यूआरएल वाली जितना एरिया है मैं इसे यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है, फिर मैंने इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये इमेज मेरा आ चुका है। अब मैं इसके साइज़ को यहाँ से कॉर्नर्स पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये इमेज हमारा बड़ा हो चुका है। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हल्का सा माइनस में रोटेट है तो मैं इस इमेज को भी पहले रोटेट कर देता हूँ। तो ये हमारा रोटेट हो चुका है। अब मैं इसे अब सही पोजीशन पे इसे सेट कर देता हूँ, फिर मैं नीचे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस ये जो इमेज है ये हमारे फोटो के अगर लेयर के नीचे आ जाए तो और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो इस फोटो के लेयर को नीचे करने के लिए आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इस फोटो को यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसे नीचे कर देना है। तो ये हमारे जो इमेज है इसके लेयर के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर नीचे आपको साइड में स्क्रॉल करना है और शैडो के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको जो कलर दिख रहा है तो कलर को यहाँ से आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे आपको ब्लर एरियाज को कम कर देना है, 3 मैं कर देता हूँ। फिर जो आपको ऑफसेट एक्स है इसको हल्का सा बढ़ा देता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ। और फिर नीचे जो ऑफसेट वाई है इसको भी हल्का सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो गाइस अब जो देख सकते हैं जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा 3D लुक इसमें आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहा है। तो गाइस अब मैं इसमें और भी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं एरो को ऐड कर सकता हूँ। तो अब अगर आप एरो ऐड करना चाहते हैं तो पहले उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप इसे क्रोम ब्राउज़र से। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं अब इसमें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो एरो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। अब एरो को हम यहाँ से रोटेट कर देंगे और जहाँ पे हमें फोकस करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे कस्टम यूआरएल दिखाना है तो कस्टम यूआरएल की तरफ हमने इस एरो को दिखा दिया है। तो गाइस अब ये हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अब अगर एरो को अगर ऐड करते हैं तो इसमें आप स्ट्रोक अगर ऐड कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका जो थंबनेल है काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो हमने यहाँ पर व्हाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर दिया, स्ट्रोक विड्थ को हल्का सा बढ़ा देते हैं। तो गाइस अब जो हमारा ये थंबनेल है वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। इसमें और भी ज़्यादा आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो गाइस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने थंबनेल में और भी क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा और एक क्लिकेबल थंबनेल हमारा इजीली तैयार हो चुका है। अब नीचे और भी कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि 100% वर्किंग ट्रिक या फिर 100% श्योर या फिर ऐसे से कुछ मैं यहाँ पर छोटा सा ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 100% वर्किंग। तो जब भी आप थंबनेल बनाते हैं तो नीचे आपको छोटा मोटा ऐसे लिख देना है, जैसे 100% वर्किंग, 100% श्योर, ऐसे कुछ लिख देना है। तो वो थंबनेल को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है। तो कोई बंदा जब उस थंबनेल को देखेगा तो उसको ऐसे मतलब अंदर से लगता है कि हाँ ये जो वीडियो है वो 100% मेरे लिए परफेक्ट है। तो गाइस बस इस तरीके से आप सिंपल वे में एक प्रोफेशनल सा एक क्लिकेबल थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल बन जाने के बाद इसे आप सेव कर सकते हैं, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज इमेज, और फिर कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमेशा से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करनी है, फिर सेव टू गैलरी। हमारा थंबनेल ऐड हो चुका है, चलिए हम एक बार आपको गैलरी में से शो करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ऐड करके अपने वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को गेन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स देखा हमने कितने आसानी तरीके से एक प्रोफेशनल सा थंबनेल बनाया है। तो आशा करता हूँ कि आपको थंबनेल पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें भी एक ऐसा ही थंबनेल क्रिएट करना है। अगर आपको थंबनेल में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे डायरेक्ट आप मैसेज पर थ्रू बात करना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है techplaza01, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर मुझे इजिली फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।